एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इरफान जुनेजा के वीडियो पे. एंड द नेम ऑफ दिस वीडियो इज स्टोरीज ऑफ कराची, टेल्स ऑफ कराची एरियाज. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज सो जो लोग मुझे पहले से देखते आए हैं उनको पता है कि इरफान जुनेजा इज़ वन ऑफ माई एक्सट्रीमली फेवरेट यूट्यूबर, कॉन्टेंट क्रिएटर, व्लॉगर. एंड उनके जो पहले ट्रैवल व्लॉग्स आते थे आई यूज़ टू एब्सोल्युटली लव देम. एंड बीच में ही वॉज नॉट मेकिंग एनी ट्रैवल व्लॉग्स तो आई वॉज रियली मिसिंग इट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड आज इतने दिनों बाद उनका एक नया वीडियो आया है. एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस वीडियो बट आई फील कि ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर कराची इन दिस बिकॉज द टाइटल सजेस्ट सो स्टोरीज ऑफ कराची. सो आई फील दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो. तो मैं और ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं रखने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो. ओरिजिनल लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. एंड नाउ लेट्स बिगिन. एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में एक बात कही थी कि कराची जिद्दत का शहर है. जिद्दत मतलब इनोवेशन. और यहाँ की इनोवेशन सिर्फ यहाँ के खानों तक महदूद नहीं है, यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है. और पूरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ हर गली, हर सड़क, हर इलाके की अपनी कहानी. और आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे कहानियों से बहुत दिली लगाव है. Feel like talking a lot बीच-बीच में, लेकिन मैं चुप बैठने वाली हूँ. I will try. कराची शुरू से ही कहानियों का शहर रहा है भाई, और हम अपनी कहानी कराची के इब्तिदाई. So मैं कोशिश करूँगी कि पहले पूरा वीडियो देख लूँ और फिर मैं मेरी बड़बड़ करूँ, क्योंकि अदरवाइज जो एक्सपीरियंस है वीडियो देखने का, रिएक्शन का, वो खराब हो जाएगा. सो आई विल कीप माई कॉमेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. एंड नाउ इलाकों से शुरू करते हैं. जब कोलाची, जो कराची का पुराना नाम था, जब कोलाची की आबादी में इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्रेडिंग हब बनने लगा, तो लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक किला बनाते हैं. उस किले के 2 दरवाजे बनाए गए. दरवाजे को दर भी कहते हैं. तो 2 दरवाजे बनाए गए, एक जो कि समंदर की तरफ खुलता था. समंदर का पानी क्योंकि खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया खारा. दूसरा जो कि एक नदी की तरफ खुलता था, नदी का पानी जो कि मीठा होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया मीठाधर. एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटीज इन कराची, खाराधर एंड मीठाधर. समंदर की बात हो रही है तो हम बंदर रोड को कैसे भूल सकते हैं. बचपन में जब मैं बंदर रोड का नाम सुनता था तो मुझे लगता था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते होंगे. घर वालों को कहता था कि मुझे यहाँ पे लेके चले. तो थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, और ये वो रोड है जो शहर को सी पोर्ट से कनेक्ट करती है. नाम अब इसका बंदर रोड नहीं है, लेकिन काम अभी भी ये वही करती है. कराची की डाइवर्सिटी की एक जिंदा मिसाल बताता हूँ. वो रोड जो शहर को समंदर से कनेक्ट करती है, उसका नाम सी पोर्ट इन उर्दू, और उसके आगे का इलाका जो कि एक्चुअल पोर्ट है, दैट इज सी पोर्ट इन सिंधी. माड़ी सिंधी में सी पोर्ट को कहते हैं, और बंदर रोड के आगे लगता है किमाड़ी. बंदर रोड से एक रास्ता निकलता है किमाड़ी की तरफ, और दूसरा निकलता है माड़ीपुर की तरफ. समझ रहे हो ना माड़ी का क्या मतलब है. इन दोनों इलाकों के बीच में जो जगह है उसका नाम है मच्छर कॉलोनी. अब बंदर रोड पे बंदर तो नहीं होते, लेकिन कराची के लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो अपनी तकलीफ़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं भाई. क्योंकि जब पोर्ट बना, पोर्ट पे मज़दूरों की ज़रूरत हुई, तो मज़दूरों को करीबी रहने की एक जगह चाहिए थी. और किमाड़ी और माड़ीपुर जो कि पोर्ट्स हैं, इनके बीच में यही एक जगह है. तो यहीं बहुत ज़्यादा मज़दूर आके आबाद हुए, और ये जगह 3 साइड से पानी से कवर्ड. पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे, और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मच्छर कॉलोनी. अब एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, उस जगह का नाम है मच्छर कॉलोनी. तो एक जगह जहाँ से पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है, उस जगह का क्या नाम होगा. भैंस कॉलोनी. भैंस कॉलोनी से थोड़ा ही आगे है गीदड़ कॉलोनी. अब यहाँ पे कोई गीदड़ नहीं पाए जाते, लेकिन किसी ज़माने में लोगों ने यहाँ पे बहुत गीदड़ देखे थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया गीदड़ कॉलोनी. वैसे इस जगह का एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल नाम है न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी. लेकिन इस तरह की कहानियाँ नामों में ही ज़िंदा रहती हैं. तो किसी भी टैक्सी वाले को बोलो कि न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी जाना, कोई नहीं ले जा पाएगा, शायद ही किसी को पता हो. लेकिन अगर बोलोगे कि गीदड़ कॉलोनी जाना है, तो कोई भी पहुँचा देगा. और अगर जानवरों की कहानियाँ चली रही हैं,
तो नागन चौरंगी की भी अपनी कहानी, मतलब कहानियां हैं, एक से ज्यादा हैं। नागन चौरंगी आए हम यहाँ पे, उमर शरीफ का एक जोक था कि नागन निकल लिए, सिर्फ चौरंगी बाकी रह गई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नागन चौरंगी। और अभी हम यहाँ पे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे हम यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक नागन पकड़ी गई, नागन मतलब स्नेक, पर लोग इतना डर गए थे कि इस जगह का नाम ही नागन चौरंगी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तीन सड़कें बल खाती हुई सांप की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी यह है कि एक ज़माने में जब लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की पैमाइश शुरू की, पैमाइश मतलब मेजरमेंट्स, तो एक पुरानी जगह निकली जिसका नाम नागन था ऑफिशियल पेपर्स पे, तब से इस जगह का नाम नागन चौरंगी। कराची के बारे में कहावत बहुत मशहूर है कि आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं देखा। अगर आपने नुमाइश चौरंगी नहीं देखी तो आपके जहन में कोई इमेज ही नहीं आएगी। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ नुमाइश चौरंगी। चौरंगी बाय द वे इज अ राउंड अबाउट लाइक अ चौक ना। अगर कोई चौरंगी कराची में सबसे ज्यादा मशहूर है, इवन मोर देन नागन, तो वो है नुमाइश चौरंगी। कोई भी तकरीब हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, नुमाइश का नाम आपको खबरों में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो नुमाइश चौरंगी का सीन ये है कि बंदर रोड, जिसका नाम अब एमेजिना रोड है, इस पे डिफरेंट स्टॉप्स हैं ऑल द वे टू किमाड़ी। यहीं एक स्टॉप है नुमाइश चौरंगी। इसका सीन ये है कि 1939 में KMC कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन करवाई थी। एग्जिबिशन को उर्दू में कहते हैं नुमाइश। नुमाइश से एक स्टॉप पीछे है गुरु मंदिर। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक गुरुद्वारा होता था जिसका नाम लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से और एरिया को पहचानने के लिए गुरु मंदिर रख दिया। गुरुद्वारा तो अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इस नाम में महफूज है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम गुजारा है, तो अंग्रेज़ों की कहानियाँ भी यहाँ के नामों में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि हमारे पास है गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान इज़ एक्चुअली अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड। पुराने ज़माने में ज़्यादातर अंग्रेज़ यहाँ पे क्रिश्चियंस होते थे। वी स्टिल हैव गोरा कब्रिस्तान नेक्स्ट टू काला पुल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है चमड़ा चौरंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास सारी लेदर की फैक्ट्रीज है। कब्रिस्तान है तो खामोश कॉलोनी, अगर आसपास बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं तो चमड़ा चौरंगी, और अगर बोतलें मतलब इतर की बोतलें और खाली बोतलें मिलती हैं तो उस जगह का नाम है बोतल गली। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज इन कराची टू टेक पिक्चर्स। सारी पिक्चर्स लोकेशन एक ही, लिख लो बोतल गली। एंड देन वी हैव पापोश नगर। पापोश फारसी में जूते को कहते हैं, और किसी ज़माने में इस इलाके में जूतों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता था, इस वजह से इसका नाम ही पापोश नगर पड़ गया। वैसे तो इसका नाम जूता नगर भी हो सकता था, बट दैट वुड हैव बीन टू सिंपल। उससे पता नहीं चलता कि कराची में कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप किसी आम शख्स के सामने कोई अजीब सी बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गया, क्या बात कर रहे। कराची के लोग आपको बोलेंगे भाई होश में है, पापोश में है, इसका पापोश से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट गोज टू शो के हाउ डाइवर्स वी आर। तो ये हैं भाई इस शहर की कुछ कहानियाँ। यहाँ पे रामस्वामी है, रामस्वामी के पीछे है मिल्लत नगर। रामस्वामी के एक तरफ है पारसी कॉलोनी और उसके दूसरी तरफ है नारायणपुरा। इन दोनों के बीच में है बांड स्ट्रीट, जो किसी ना किसी अंग्रेज़ के नाम पे है। बांड स्ट्रीट के ऊपर है पाकिस्तान मस्जिद। नारायणपुरा के एक तरफ है जिनाबाद, जिनाबाद के आगे है भीमपुरा। जिनाबाद और भीमपुरा के बीच में है हाजी कैंप। दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ दिस सिटी। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में, इसकी कहानियों में हर किसी के लिए जगह है। थैंक यू टू इन ड्राइवर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप इसका सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, क्योंकि कराची में कहानियों की कमी नहीं है भाई। अभी तो काला पुल, अंडा मोड़, दो मिनट चौरंगी, फाइव स्टार, बहुत नाम है हमारे पास, कटी पहाड़ी, बनारस। तो लेट मी नो। डिस्क्लेमर एंड में दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर शुरू में देते ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाता। दिस इज अ वीडियो अबाउट स्टोरीज, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं। इट इज अबाउट लेजेंड्स, मिथ, फोकलोर एंड सम फैक्ट्स। फैक्चुअल वीडियोज को आप क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्टोरीज को आप इंजॉय करते हैं। एंड दिस वॉज मेंट फॉर योर इंजॉयमेंट and to preserve these stories. So I hope you enjoyed it. Okay? Karachi represent. So, first of all, I would definitely want to see iska second, third, fourth, fifth, jitna bhi parts aayega utna. Agar aapko reaction nahi chahiye, to main khud hi dekh lungi, because I think there is something about jis tarah se ye baat karte hai, jis tarah se ye कोई भी कहानी सुनाते हैं,
इससे पहले जब इनके ट्रैवल ब्लॉग्स भी देखती थी मैं, तो उसमें भी जो जो नरेशन होता था वो इतना ब्यूटिफुल होता था. एंड अभी भी आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि दिस वीडियो वॉज बेसिकली समवेयर ही वॉज एक्सप्लेनिंग द मैप ऑफ कराची एंड टेलिंग द स्टोरीज अबाउट डिफरेंट प्लेसेस. तो बट जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो एक एक छोटी छोटी चीज़, कोई भी कहानी, कोई भी उस जगह से रिलेटेड कोई भी बात बताते हैं, देर इज़ सम मैजिक इन इट. सो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं सुनती ही रह सकती हूँ. एंड आई फील कि कहीं तो बीच में उन्होंने मेंशन किया कि अगर आपने वो जगह देखी नहीं है तो हाउ वुड यू एन्जॉय द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. मतलब जो स्पॉन्सरशिप के बाद में जो पार्ट आया उसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट, नाम नहीं ले पाऊँगी मैम, बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट सब होता है जो वो एरिया के बारे में ही वॉज टेलिंग. तो आई वुड लाइक टू से कि मैंने इसमें से कुछ नहीं देखा, इनफैक्ट आई हैवन बीन एनी वेयर, बट आई स्टिल इन्जॉय द एंटायर वीडियो. ऑब्वियसली मतलब मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं वहाँ पे आती नहीं हूँ, मैं वहाँ पे घूम नहीं रही हूँ. सो क्लियरली मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, बट हु डजंट एन्जॉय सम स्टोरीज, नोइंग अबाउट सम प्लेसेस. एंड इनके वीडियोज़ के थ्रू कराची के बारे में कुछ भी सुनना एक अलग ही मज़ा होता है, बिकॉज ऑनेस्टली आई नो हाउ मच ही इज़ कनेक्टेड टू द सिटी. सो बहुत ही अमेजिंग वीडियो था, आई एन्जॉयड इट. एंड अगेन ओरिजिनल लिंक इज़ इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट. एंड आई एम श्योर यू वुड हैव सब्सक्राइब टू हिज चैनल, अगर नहीं किया है तो कर लो. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लो. एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आजकल यूट्यूब का मतलब जो फीड पे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपके फीड पे इमिडिएटली आएगा या नहीं. सो इट्स बेटर कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, तो आपसे मिस नहीं होगा. तो मिलते हैं अगली बार, टेक केयर, बाय बाय.